मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 22 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुमने सारे कल्प में ऑलराउंड पार्ट बजाया, अब पार्ट पूरा हुआ, घर चलना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुमने सारे कल्प में ऑलराउंड पार्ट बजाया, अब पार्ट पूरा हुआ, घर चलना है। बाबा ने प्रश्न पूछा कि तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो, तो उत्तर में बाबा कहते, हम हैं ब्राह्मण चोटी, हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं, दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो कितने भाग्यशाली हुए। और बाबा ने एक और प्रश्न पूछा कि इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है, तो उत्तर में बाबा समझाते, निराकार बाप का, वह तुम सब आत्माओं का बाप है, सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई हैं, सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों अपना घर शांति धाम याद है, भूल तो नहीं गए हो। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, कैसे पूरा हुआ है यह भी तुम समझ गए हो। सत्युग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ ना सके। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं कि अब घर चलना है ना, घर चलकर फिर सुखधाम में आना है, यह सुखधाम तो नहीं है, यह है पुरानी दुनिया दुख धाम, और वह है शांति धाम सुखधाम। अब इस दुख से मुक्त हो जाना है मुक्ति धाम, मुक्ति धाम अथवा शांति धाम जैसे कि सामने खड़े हैं, वह है घर, और फिर तुम नए विश्व में आएंगे जहां पवित्रता सुख शांति भी होगी। यह तो समझते हैं ना, और गाते भी यह है, बाप को भी पुकारते हैं, क्या कहते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो, इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते हैं, शरीर छोड़ा कहेंगे स्वर्ग पधारा, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, किसने लेफ्ट किया, आत्मा ने, शरीर तो नहीं जाता है, आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही शांति धाम सुख धाम को जानते हो और कोई नहीं जानते, तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है। तुम सुख धाम में थे, अब फिर दुख धाम में आए हो, सेकेंड मिनट घंटे दिन वर्ष बीत गए, अब 5,000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहते हैं। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते रहते हैं, बहुत सहज बात है, इसमें मूंझने की तो दरकार ही नहीं। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है यह भी किसी को पता नहीं है, लाखों वर्ष की बात तो किसी को याद भी रहना मुश्किल है, यह है ही 5,000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वस्तिका चौपड़े पर निकालते हैं, उसको गणेश कह देते हैं, गणेश को हाथी की सूंड दिखाते हैं, मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते, इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे में कितनी ताकत थी, वह दिन प्रतिदिन कम होती गई है, जैसे मोटर से पेट्रोल कम होता जाता है, अब तो तुम बहुत कमजोर हो गए हो। 5,000 वर्ष पहले भारत क्या था, अथाह सुख थे, कितना जबरदस्त धन था, ये राज्य उन्होंने कैसे पाया, राजयोग सीखे थे, इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं। इनको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, और कोई स्थूल बात नहीं है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। ज्ञान विज्ञान याद और ज्ञान कितने बड़े जबरदस्त अर्थशास्त्र हैं। सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो, देवताओं को कहा जाता है अहिंसक। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो कि हम हर 5,000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से ये बेहद का वर्षा ले रहे हैं, यह आत्मा की बात है, इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। आत्मा पतित बनी है, इसलिए वह पावन होने के लिए बाप को बुलाती है।
अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, अब तो घर जाना है। यह है जीव आत्माओं की दुनिया और वह है आत्माओं की दुनिया। उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे, ये घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए। हम बहुत दूर देश के रहने वाले हैं, हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। यह भी बुद्धि में रहे कि हम वहाँ रहते हैं, इस आकाश तत्व से पार जहाँ सूर्य चांद भी नहीं होते, हम वहाँ के रहने वाले यहाँ पाठ बजाने आए हैं। 84 का पाठ बजाते हैं, सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते, आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते आते हैं। हम ऑलराउंडर हैं, सब काम करने वाले को ऑलराउंडर कहा जाता है। तुम भी ऑलराउंडर हो, आदि से अंत तक तुम्हारा पाठ है। अब इस चक्र का अंत है तो भी ऊपर से आते रहते हैं। बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। बाप ने तुम बच्चों को हमसों का अर्थ भी समझाया है। वह लोग तो कहते कि हम आत्मा सो परमात्मा है, उनको तो ड्रामा के आधि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि का भी कुछ पता नहीं है। तुमको बाप ने समझाया है कि इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको एडॉप्ट किया है। पढ़ाते हैं, ये तो याद रहना चाहिए ना। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वह ऊंच ते ऊंच भगवान है। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई हैं। अभी तुम जानते हो कि हम शुरू में देवता थे, फिर हम सुक्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। इतने जन्म लिए, ये सब पता होना चाहिए। यह नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी, अभी बाप ने समझाया है। ये वर्णों की बाजोली है। अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे, विराट रूप दिखाते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है कि कैसे हम नीचे उतरे, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डिनेस्टी में आए। अभी तुम ब्राह्मण हो चोटी, चोटी सबसे ऊंच होती है, तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलाए। भगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो, अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो। बाहर में तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, यह तो है एक निराकार बाप। यह बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। पढ़ाई तो हर पढ़ते हैं ना, बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं, वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते आते हैं। अभी यह है भगवानुवाच। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता है, वह तो है निराकार। यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में पढ़नी होती है, पढ़ाई होती ही यहाँ है। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या कि हम मूंझते हैं, हमको निश्चय नहीं होता। पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सत्युग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने, जरूर भगवान बाप द्वारा बने। बाप तो सच बताएंगे, भगवान कोई रॉन्ग थोड़े बता सकते हैं। बड़ा भारी इम्तिहान है इस समय, तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, राजा रानी है नहीं। सत्युग में थे, अभी कलयुग अंत में है नहीं। इसको कहा जाता है पंचायती राज्य। गीता में लिख दिया है कौरव और पांडव। रूहानी पंडित तो तुम हो ना, सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो। वह है तुम आत्माओं का रूहानी घर, रूह जन्म लेकर पाठ बजाती है। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचना को न रचना के आधिमध्यंत को जानते हैं। लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी हो न सके, पूरा आधा सुखधाम फिर पूरा आधा दुखधाम। यह है पतित दुनिया विशेष, और है वह है वाइसलेस। बाप कितना ऊंच ते ऊंच है, परंतु कितना साधारण है। कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता है। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल ब्लिसफुल। सब बातों में बाप फुल है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है।
हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, या फिर है ऊंच ते ऊंच भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे हैं। वहाँ हम सब बाप के साथ परम धाम में रहते हैं, वह है घर। और यहाँ सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। कोई एक जन्म का भी पाठ बजाकर वापस चले जाते हैं। बाप समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक ना मिले दूसरे से। आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक ना मिले दूसरे से। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं, जिसमें मूंछ जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति ये है या यह है। ये तो है बेहद का खेल, इसमें एक ना मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। आयु भले एक जैसी हो, परंतु फीचर्स एक जैसे हो ना सके। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का नाटक है तो उसको जानना चाहिए ना। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही बजाएंगे। ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता। बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते रहते हैं। सबके फीचर्स अलग अलग हैं। कितने वैरायटी फीचर्स है, यह नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है। कोई किताब आदि है नहीं। गीता का भगवान हाथ में गीता लेकर आता है क्या? वह तो ज्ञान का सागर है, पुस्तक थोड़ी ले आया। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। तो ये सब ड्रामा में नूंद है, एक सेकेंड न मिले दूसरे से। तुम बच्चों को तो सब समझा दिया है। चक्र पूरा हो फिर नए सिरे शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे हो, बाप को भी तुम जान गए हो, रचना को भी जान गए हो। मूल वतन से यहाँ आते हो पाठ बजाने। स्टेज कितनी बड़ी है, इनका कोई माप नहीं हो सकता, कोई भी पहुँच नहीं सकते। सागर और आकाश का कोई अंत पा नहीं सकते, इसलिए बेअंत गाया जाता है। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी कोशिश करते हैं। साइंस भी अभी है, और फिर कब शुरू होगी? जब उनका पाठ होगा। तो इतनी ये सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही हैं। सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया है। यह काली आत्मा, ये गोरी आत्मा, काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरी बनी है। नॉलेज से कितना ऊंच पद मिलता है। यह है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? भगवान राजयोग सिखाते हैं अमरपुरी के लिए, इसलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। ज़रूर संगम युग पर ही सुनाई होगी। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। तुम यहाँ कितनी बार आए हो? अनगिनत बार। कोई पूछे ये नाटक कब शुरू हुआ है, तुम कहेंगे ये तो अनादि चला आ रहा है, गिनती की बात हो नहीं सकती, पूछने का ख्याल भी नहीं आता। शास्त्रों में सभी है भक्ति मार्ग की कहानियाँ जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं, सत्युग में एक अनेक भाषाएं आदि होती नहीं। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो। वो लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को प्राइज देते रहते हैं, और शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं। उनको तुम क्या प्राइज देंगे, वह तो और ही तुमको प्राइज देते हैं। लेते नहीं, ये समझने की बातें हैं। कल की बात है, जबकि इन्हों का राज्य था, अभी तो रहने की जगह नहीं है। वहाँ तो दो तीन मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं रहती, लकड़े आदि की दरकार नहीं। वहाँ तो सोने चांदी के मकान होते हैं, साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। यहाँ तो साइंस से सुख भी है और दुख भी है, इससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पॉम्पिया। माया का कितना पॉम्प है, साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है, इसलिए वह तुम्हारी बात भी नहीं सुनते। आगे तुम भी नहीं जानते थे, यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं, मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे, और फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा, सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी।
और फिर ये नौकरी आदि याद नहीं आएगी। मरेंगे ऐसे ही जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं। दुख की बात नहीं, हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होंगे। बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने, तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब तो नहीं आएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है, डबल अहिंसक बनना है। सेकंड पॉइंट है 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है, सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। बाबा ने आज वरदान दिया अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं, इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का सदा रस है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है, वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। स्लोगन है शांति की वास धूप जगा कर रखो तो अशांति की बांस समाप्त हो जाएगी। शांति की वास धूप जगा कर रखो तो अशांति की बांस समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।